इसको तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की इलाज के दौरान मौत हुई है सर, क्या है कोई जानकारी? 10 तारीख की रात में एक बच्चा आया था जिसकी कंडीशन उस टाइम बहुत ज़्यादा नाजुक थी और उसको एक ट्रक ने कुचल दिया था। ट्रक से कुचल जाने की वजह से उसका दायां पैर पूरा करीब करीब पेट के पास से ही पूरा कुचल गया था, जिससे सारी उसकी नस बसें कट गई थी, फट गई थी। और जब यहाँ पे आया था तो कंडीशन ऐसी थी किसी वक्त उसकी मृत्यु हो सकती थी। उसका हीमोग्लोबिन जो एक नॉर्मल इंसान में 15 के आसपास होता है वो करीब 3 से 4 के आसपास था। और जीसीएस एक स्केल होता है जिस पर हम जानते हैं कि उसकी कंडीशन कैसी है, बहुत पुअर था। तो उसको पेशेंट को तुरंत उसको वेंटिलेटर पर रखा गया, उसकी कृत्रिम जो सांस देने की जो मशीन होती है उस पर रखा गया और साथ में उसको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी और साथ में जो लोग थे उसके घर वाले तो उस टाइम नहीं थे, उसके कुछ मित्र वगैरह थे, तो उनसे बोला गया कि इसमें जो है ब्लड प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो खून लेके आओ। खून के लिए इंतजाम किया गया, खून चढ़ाया गया, धीरे धीरे कंडीशन थोड़ी सी सुबह तक हल्की इसकी स्टेबल होने लगी थी। और सुबह जब सारे प्लास्टिक सर्जन, CTPS सर्जन और इन सब ने देखा उसको, पेशेंट को रात में भी इसको देखा गया और सारी जो पैर की जो कंडीशन थी बहुत ही नाजुक थी। और उसकी एंजियोग्राफी हुई, एंजियोग्राफी में पाया गया कि एक जो हमारी मेन नस होती है फ्यूमरल आर्टरी जिसको बोलते हैं, वो उसकी कट गई थी, क्रश हो गई थी पूरी तरीके से। करीब करीब 5-6 सेंटीमीटर से ज़्यादा वो पूरा लॉस था, वो थी नहीं वहाँ पे। तो जिसकी वजह से जो फ्यूमरल आर्टरी जो मेन आर्टरी होती है वो कट जाने की वजह से उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई थी रात में भी। वो तो किसी तरीके से यहाँ तक पहुँच पाया था, नहीं तो फ्यूमरल आर्टरी कट जाने के बाद में नॉर्मली जो है 5-7 मिनट के अंदर जो है पेशेंट की मृत्यु होने के चांस होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, निकलता है। उसके बाद एंजियोग्राफी की गई, एंजियोग्राफी के बाद में पाया गया कि सब ये कटी हुई है, मगर उसकी कंडीशन जो थी बहुत ज़्यादा पैर की बहुत बुरी थी, क्योंकि सारी मसल्स उसकी क्रश हो गई थी। तो साथ वालों से बताया गया कि इसका पैर के बचने की उम्मीद नहीं है, पैर को इसको निकालना पड़ेगा। जैसा कि सभी है, सब थोड़े से इमोशनल होते हैं, उनका अकेला बेटा था, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब जैसे भी हो सकता है किसी तरीके से पैर को बचाने की कोशिश कीजिएगा इसकी। तो CTPS सर्जन और प्लास्टिक सर्जन ने बताया कि अगर हम इसकी नस को रिपेयर भी करते हैं, मसल इतनी ज़्यादा क्रश हो गई हैं, तो चांस बिल्कुल नाके बराबर हैं कि दोबारा पैर इसका बच भी पाएगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जैसे भी हो इसके चांस लीजिएगा, और वो संतुष्ट थे हमारे सारे ट्रीटमेंट से। तो उसके बाद में उसके रिपेयर किया गया, दूसरे पैर से उसका वेन का ग्राफ्ट लिया गया और नस को जोड़ा गया। नस जुड़ने के बाद में खून का दौरा भी उसमें आ गया पैर के अंदर, बट उसकी जो मसल्स थी इतनी ज़्यादा क्रश हो गई थी बुरी तरीके से, उसमें परफ्यूजन नहीं हो पाया। और जब क्रश हो जाती हैं तो कई बार एक कंडीशन होती है, कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसमें से टॉक्सिन्स निकलते हैं। टॉक्सिन्स निकलने की वजह से उसकी धीरे धीरे किडनी काम करना बंद कर दिया। उसके बाद 2 दिन के बाद में उसको बताया गया कि साथ वाले को कि अब पैर की जो है कंडीशन और भी ख़राब है और साथ में टॉक्सिन्स भी निकल रहे हैं, इससे जान को खतरा हो सकता है, तो पैर इसका निकालना होगा। उसके बाद 2 दिन के बाद उसका ऑपरेशन के बाद में पैर उसका निकाला गया। पैर निकालने के बाद में उसकी किडनी ने काम करना, जैसे मैंने बताया कि एक दिन पहले ही बंद कर दिया था, उस किडनी के बंद करने के ना उसके किडनी के काम ना करने की वजह से उसके टॉक्सिन्स जो है बॉडी के अंदर जाते रहे। वो सारी कंडीशन दिन में कम से कम 10 से 12 बार हर एक उनको सारे रिलेटिव को बताई जा रही थी, ये परेशानी है, इसने ये परेशानी है, इससे जान को खतरा हो रहा है इसको। इवन 2 दिन पहले भी यहाँ तक भी कहा, मैंने भी इनसे कहा था कि अगर आपको ऐसा लगता है तो एक समरी ले लीजिएगा और जाके किसी भी अस्पताल में जाकर बात कर लीजिएगा, क्योंकि किसी को लगता है कि हम अच्छा कर सकते हैं तो हम आपको वहाँ पर भेज सकते हैं। तो उन्होंने पूरी तरीके से संतुष्ट थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपने जो किया है उसकी जान बचाई है शुरू में, और पहले दिन ही उसकी जैसे खतरा था जान को, तो आप हम पर पूरा भरोसा है, आपके ऊपर अस्पताल के ऊपर पूरा भरोसा है, और यहाँ के डॉक्टर सारे इतने ज़्यादा मेहनत से कर रहे हैं, आप करिएगा इसको। और इस बीच में रात में जो है कंडीशन इसकी और ज़्यादा ख़राब हुई और जो ब्लड प्रेशर था वो एकदम बहुत लो होता चला गया और सुबह उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। पैर पे तो कोई चल ही नहीं सकता इतने क्रश इंजरी होने के बाद में, CCTVs हैं, CCTV में दिखाई दे जाएगा वो तो कैसे चल के आया था, क्या परेशानी थी। होता क्या है, जिसने इसको कुचला, ट्रक वाले ने जिसको कुचला, उसको कुछ नहीं कहता। डॉक्टर्स एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं, 7-8 डॉक्टर की टीम 24 घंटे इस पूरे तरीके से इस पेशेंट के लिए लगी रही और साथ वाले पूरी तरह संतुष्ट भी रहे। जब इलाज के दौरान इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, ये बहुत ही
आराम से लोग जो है एक डॉक्टर या अस्पताल को बड़ा सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं, जो हत्यारा है, जिसने किया है, जिसने पैर कुचला है, उसको कुछ नहीं कहा कोई भी अभी भी, अस्पताल ने ऐसा कर दिया। ये बड़े आसान चीज़ होती है कि किसी को कहना कि हाँ अभी अस्पताल ने ऐसा कर दिया। जो सारी चीज़ें बताई गई हैं ऑडियो विजुअल हमारे पास कॉन्फ्रेंस रूम है, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं हमारे पास में, जो हमने उनको कंसेंट दी है, लिए उनसे, हमने उनसे जो बताया भी गया सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें हैं हमारे पास। थैंक यू।